देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दून रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। आपको बता दें कि 3 महीने तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। कई यात्री ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि राजधानी में ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद है। फिलहाल रेलवे ने हर्रावाला तक 2 ट्रेनों का संचालन किया हुआ है। देहरादून रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर गणेश चंद ठाकुर का कहना है कि स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें पुराने सिस्टम को हटाकर नवीनीकरण किया जा रहा है। हालांकि 3 महीने यात्रियों के लिए परेशानी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ट्रेनों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही प्लेटफार्म को आधुनिकीकरण कर और लंबा बनाया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और ज्यादा सुचारू हो जाएगी। सर, हमें पता बिल्कुल नहीं था। मेरा नाम संजय कुमार है। तो सर, अभी मैंने यहाँ पे इंक्वायरी में पूछा था तो वो बता रहे थे, मुझे प्रयागराज जाना था तो वो बता रहे थे अलीगढ़ से मिलेगी ट्रेन। तो हमें काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये है कि अभी हमें कन्फर्म पता नहीं था यहाँ पे कुछ यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए, मुश्किलों का सामना हो रहा है, इसीलिए प्रशासन ने 2 गाड़ियाँ जो है हर्रावाला तक हम लेके आए हैं, जबकि वो बहुत छोटा सा स्टेशन था। तो उसमें हमने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ करके, जो लोकल एडमिशन से बात करके, बसेस वगैरह अरेंज करा के हम लोग वहाँ से चलवा रहे हैं। लेकिन ये काम क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता था बिना ब्लॉक के, तो ये थोड़े दिन की परेशानी है। लेकिन इसके बाद जो है, हमें बहुत सारे कोचिज और जो वेटिंग लिस्ट है हमारी, वो लगभग ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर है, थोड़े समय की परेशानी ज़रूर है। विकास भवन सभागार में खेल महाकुंभ से संबंधित की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि न्याय पंचायत स्तर पर 25 नवंबर से 30 नवंबर 2019 तक होगा खेल का आयोजन, और विकासखंड खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2019 के मध्य किया जाएगा। वहीं जनपद स्तर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 2 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 तक होगा, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रतिभागी खेलकूद में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने UKPCS की परीक्षा में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित छात्रा को आयोग द्वारा सहायक उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव कार्मिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 26 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने पिछली कई तारीखों में सचिव कार्मिक को जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन अब तक उन्होंने न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया, जिसका पालन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें 18 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा था, परंतु इसके बावजूद उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अब न्यायालय ने उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर आगामी 26 नवंबर को कारण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि क्यों ना आपके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत चार्ज फ्रेम किया जाए। आपने कोर्ट के आदेश व समय का उल्लंघन किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी लक्ष्मी मेहरा ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसने UKPCS की परीक्षा दी थी, लेकिन आयोग ने परीक्षा तिथि को उनको सहायक मुहैया नहीं कराया क्योंकि वे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं, और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित आवेदकों को सहायक देने संबंधी उनके पास कोई सरकारी शासनादेश नहीं है। याची ने शासनादेश को स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन न्यायालय द्वारा सरकार से पूछे जाने के बावजूद अब तक शासनादेश स्पष्ट नहीं किया गया। पिछली तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेशों को नजरअंदाज करने पर सचिव कार्मिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं और 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा गया है। इसमें एक लक्ष्मी मेहरा देहरादून निवासी छात्रा हैं, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड के थ्रू एक आवेदन किया था। वो आंशिक दृष्टिहीन है, जिसमें उन्होंने अपने लिए सहायक की मांग की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये कहते हुए मना कर दिया गया कि हमारे पास इस संबंध में कोई भी शासनादेश नहीं है। ये मामला जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो संबंधित शासनादेश है उसको परिवर्तित कर शासन हमें रिपोर्ट की जाए। बार बार ये मामला उच्च न्यायालय में लगा, और कल जो कि पर्सनल अपीयरेंस में ये मामला लगा था, सचिव कार्मिक को प्रेजेंट होना था, वो उपस्थित नहीं हुए। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए कोर्ट नाराज हुआ और उन्होंने बेलेबल वारंट इशू किए हैं, और अगली नियत 26 नवंबर की है। आज राजधानी देहरादून के विधानसभा परिसर में प्रदेश के सहकारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मनरेगा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के संबंध में बैठक ली। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार, अनुसचिव ग्राम्य विकास आशुतोष शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छूट गए लाभार्थियों को पुनः योजना में
शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छूट गए लाभार्थियों की संख्या 94,000 है। अभी तक 90% लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लाभार्थियों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यह तथ्य ग्राम्य विकास योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया है। साथ ही धन सिंह रावत ने निर्देश दिया कि सचिव ग्राम्य विकास इससे संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जिससे इस गैप को पूर्ण किया जाए। और क्या कुछ कार्य योजना तैयार की? आज मैंने ग्राम्य विकास के एक समीक्षा बैठक ली है और जितने काम लंबित मेरे क्षेत्र में हैं और पौड़ी जिले में हैं उन सब की आज समीक्षा की गई है। और जो 3-4 महत्वपूर्ण काम थे, एक तो PMJSY की कई सड़कें हमारे यहाँ 5-5 साल उनको हो गए हैं और उनका रखरखाव, उनका जो है अब डामरीकरण, उनका सुदृढ़ीकरण, मैंने कहा है कि PMJSY को कि आप PWD को उनको हस्तांतरण कर दीजिए, क्योंकि PMJSY में 5 साल के बाद एक भी पैसा जो है सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं मिल पाता है। दूसरा एक बड़ी दिक्कत ये थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जब मैं गांव में दौरा करता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास आवास नहीं है और उससे हम लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो आज जब मैंने समीक्षा की इसकी तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में लगभग 13,000 लाभार्थियों को जो है मिलने थे 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें से लगभग 90% लोगों को मकान मिल चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये पता चली आज कि उसमें 94,000 लोग उस समय छूट गए थे। तो आज ही मुझे सचिव ग्राम्य विकास ने कहा कि हमने भारत सरकार को लिखा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 94,000 लोगों को और इसमें लाभान्वित करना है। नहीं तो कई जगह ये हो रहा था कि साहब हमको मकान नहीं मिले, हमारी सरकार कहती थी, भारत सरकार कहती थी कि भाई हमने जो है दे दिए, तो ये जो गैप था इसको जो है पूरा करने के लिए भी आज मैंने निर्देश दिए हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने एक प्रस्ताव आज और दिया है कि अब नए प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का चुनाव हो चुका है, जल्दी वो शपथ लेने वाले हैं। तो जो मनरेगा के काम पूरे प्रदेश में और मेरी विधानसभा में चल रहे हैं, मैंने ग्राम्य विकास विभाग को कहा है कि आप ऐसा करिए कि सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का एक एक दिन का ब्लॉक वाइज प्रशिक्षण करिए, क्योंकि नए प्रधान जीत के आ रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, तो उनको स्पेसिफिक ये जानकारी होनी चाहिए कि हम मनरेगा में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और एक इतनी अच्छी योजना है, अगर किसी प्रधान ने अच्छा काम कर दिया तो अपने गाँव में 3-4 करोड़ रुपए का काम भी मनरेगा से कर सकता है, लेकिन उसको जो पता हो कि मुझे क्या क्या करना है, तो ये बात भी आज हुई है। चौथा जो SHG ग्रुप है ग्राम्य विकास के, मैंने उनसे कहा है कि अभी तक उनको फंडिंग, रिवॉल्विंग फंडिंग की बहुत दिक्कत है, ग्रुप तो बन गए हैं, तो मैंने कहा है कि आप जितने ग्रुप बने हैं जिले वाइज उनको आप कोऑपरेटिव से बिना ब्याज के 5-5 लाख रुपए जो है वो ले सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, जो कृषि आधारित हो, किसान की आय दुगनी करने के लिए हो। तो एक ज्वाइंट बैठक हमारी और ग्राम्य विकास की होगी और मुझे लगता है कि इससे महिला समूह जो जो काम कर रहे हैं गांव में उनका एक बड़ा काम हो जाएगा। एक जो दिक्कत आती है गाँव में कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक की, कि अकुशल श्रमिक को 182 रुपये जो है वो मजदूरी मिलती है और जो कुशल श्रमिक है उसको लगभग 450 रुपये और 500 रुपये भी मजदूरी मिलती है। तो कई बार ग्राम सभाओं में दिक्कत होती है कि कुशल किसको माना जाए और अकुशल किसको माना जाए। तो मैंने ये भी आज निर्देश दिए हैं कि उसके लिए एक कोई गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए और जो जो कुशल श्रमिक है वो ग्राम सभा में बता देना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे गाँव में कुशल श्रमिक है। उससे जो है प्रधानों पर भी जो आरोप लगते हैं या गाँव में भी जो दिक्कतें होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है और